आगरा के जिला समाज कल्याण विभाग में दो दिन से वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है। प्रिंसिपल और नोडल अधिकारी दो दिन से घंटों लाइन में खड़े होकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग में दो दिन से वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूलों से आए प्रिंसिपल और नोडल अधिकारियों को स्कूल का सारा काम छोड़कर लाइन में खड़े होकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना पड़ रहा है। विकास भवन में वेबसाइट के सर्वर डाउन होने के कारण स्कूलों से आए प्रिंसिपल और नोडल अधिकारियों की भीड़ लगी हुई है। अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जल्दी कराने के लिए स्कूलों के प्रिंसिपल सुबह 9 बजे से ही लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं। छात्रवृत्ति में यह नियम इसी वर्ष लागू किया गया है और इसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिक कराने का कार्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ही कराया जा रहा है। मोती कटरा MD कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि यहां हम सभी लोग 10 बजे से अपनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराने के लिए आए हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जा रहा है। सुबह 10 बजे से हम यहां पे अपनी साइट का वेट कर रहे हैं। बाकी साइट कल भी काम कार्य नहीं कर रही थी, ना ही आज कर रही है। शिक्षकगण पूरा परेशान है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। मूल्यांकन के लिए कॉपियां स्कूल में पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये समय एग्ज़ाम्स का है और कार्य बिल्कुल बंद पड़ा हुआ, ठप पड़ा हुआ है। ना ही कोई किसी प्रकार की कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, ना तो साइट पे काम हो रहा है और ना ही स्कूल का काम हो पा रहा है। अब शिक्षक क्या करें? समय कितना दे रहे हैं? समय मॉर्निंग 10 से 12 है, देन 4 से 6 है। अब कुछ शिक्षक पिनाट से भी आ रखे हैं, या किसी एक टीचर का हो गया किन्हीं कारणों से, एक नोडल का रह गया उसका, वो फिर 3 दिन का वेट कर रहा है। पिछले 2 दिनों से हम लोग डेली यहाँ आ रहे हैं सारे विद्यालय के। इन लोगों ने जो अरेंजमेंट किया है बिल्कुल ही सही नहीं किया है। या तो आप ब्लॉक वाइज बुलाते, तहसील वाइज बुलाते, तो थोड़े स्कूल जो है सिस्टम वाइज आते तो काम होता। यहाँ पर आ रहे हैं सुबह, है 9 बजे से हम लोग आए हुए हैं अपना स्कूल छोड़ के। 9 बजे से 9:30 से स्कूल का टाइम है, यहाँ आए हैं और अभी तक देखिए 11:30 बज गए हैं। केवल 3 या 4 लोगों का हुआ है, साइट प्रॉपर चल नहीं रही है। एक का हो जाता है साइट बंद हो जाती है, ना बैठने की व्यवस्था है ना कोई भी व्यवस्था है। और ये काम मतलब स्कूल में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, हमें पता है कितने काम हैं, उन्हें छोड़ के प्रिंसिपल नोडल सब यहाँ पर आ रखे हैं। तो मेरा अनुरोध यह है कि या तो कोई सिस्टम बना के हम लोग को बुलाया करें, जिससे कि जो है हमारे स्कूल के काम भी ना रुके और यहाँ पर भी काम हो जाए। सहायक प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालयों के प्रिंसिपल और नोडल अधिकारियों को लाइन में खड़े होकर बायोमेट्रिक के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और बताया कि विभाग में 2 दिन से वेबसाइट बहुत धीमे कार्य कर रही है। इसके कारण प्रिंसिपल और नोडल अधिकारियों को स्कूल के काम छोड़कर यहां लाइन में घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह की रिपोर्ट।